हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन का मैसेज लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहती हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं। रैंडमली विल टेक फोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड फोर कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कह देना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन अभी आपसे। पहला मैसेज है द वर्ल्ड। कंप्लीशन की एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन। आप दोनों में जो भी दूरियां हैं उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सेकंड मैसेज है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको ये भी बता देना चाहती हैं या बता देना चाहते हैं कि आपसे दूर होने के बाद इन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इन्हें किसी के भरोसे रहकर इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना है, इन्हें खुद के बलबूते पर इस रिलेशनशिप को निभाना है और ये इंडिपेंडेंट होकर आपके साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। देन वी हैव टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में कम्प्लीशन चाहते हैं, मतलब अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं तो बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, और अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो बहुत जल्द आपको मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट मिल सकती है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। फोर ऑफ सोर्ड्स एक और कार्ड आना चाहता है। वी हैव सन विद द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है मजिशियन। तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेविल एनर्जी है विद यूनियन कार्ड, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन अगर सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि शायद आप इनकी तरफ कोई जेस्चर करें या आप खुद इनसे बात करें। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं, तो ये खुद आपकी तरफ लौट आने का डिसीजन लेने वाले हैं। ये आपको कुछ ये भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपसे दूर रहकर इन्होंने कितना आपको याद किया है, मिस किया है, कितने बोर हुए हैं, कितना डिस्कनेक्ट फील किया है, ये सब कुछ ये आपको बताना चाहते हैं। फोर कार्ड्स हम लेंगे ओशो ज़ेन से भी। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज है गोइंग विद द फ्लो। वाटर एनर्जी है विद कॉम्प्रोमाइज। चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं अभी इस वक्त। वन मोर कार्ड। द मास्टर। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ क्लियर है, अब इन्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ना इस रिलेशनशिप को लेकर, ना इस रिलेशनशिप में अगर कोई जगलिंग सिचुएशंस हैं उनको लेकर। ये पूरी तरह से साइलेंट मोड पे हैं, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आगे चल के इनको पता है कि चीज़ें कंप्लीशन की तरफ ही बढ़ेंगी। सो, दोनों डेक से ये एनर्जीज निकल कर आई हैं कि आपके पर्सन आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं। अगर कोई भी बीच का रास्ता निकल सकता है तो वो बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 6 घंटे 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों के लिए 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग यूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो, ये था आज का एक शॉर्ट मैसेज। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।